एक्चुअली मेरी शुरुआत फ्लेम्स से हुई थी और फिर असूटेबल बॉय हुआ था. प्रोज एंड कॉन्स इस जर्नी के, आई थिंक आप कोई भी सफ़र के कोई कॉन्स नहीं रहते हैं. अगर आप उनसे कुछ सीख पा रहे हो तो आई थिंक वही सबसे बड़ा प्रो होता है कि आप बस सीखते रहो और उनसे ग्रो करते रहो उन चीज़ों से. सो आगे बढ़ने की कोशिश है और वही चल रहा है. और ऑल ऑफ दीज डिसीजंस जो भी मैंने आज तक किया है, अब मैं जाके फाइनली किल पे पहुंची हूँ, अब यहाँ पे लेके आई है मुझे ज़िंदगी. तो मुझे एक्चुअली कास्टिंग बे से कॉल आया था एक ऑडिशन के लिए. तो उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा, सेल्फ टेस्ट, मतलब सीन भेजा सेल्फ टेस्ट के लिए. मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने भेज दिया. और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने उनसे कुछ सुना नहीं वापस. तो मुझे लगा ठीक है, हो गया होगा. मैं दिल्ली चली गई थी वापस अपने घर. और फिर उसके बाद मुझे देवरॉय सर का कॉल आता है, जिनके साथ मैंने PI मीना पे काम किया था. वो मेरे डायरेक्टर थे तब के. और उन्होंने कॉल पे मुझे बताया कि निखिल एक उनका दोस्त है जो डायरेक्ट करना चाहता है, वो एक मूवी बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उस मूवी में ज्वाइन करूँ. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ सर से. और फिर पता चलता है मुझे कि वो किल का ही ऑडिशन था जो मैंने भेजा था. और निखिल सर से बात होती है, फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत पसंद आती है स्क्रिप्ट. और दैट इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड फॉर अस. बहुत अच्छा लग रहा है यार ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस मूवी में. सब अपनी मूवीज अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत मेहनत करते हैं फॉर श्योर. बट विद किल वी आर रियली ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. हमने कोशिश करी है कुछ नया करके दिखाने की. और उसको जब फाइनली रिकग्निशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट होती है उसकी और वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन और प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. किल जाके देखिएगा प्लीज़ थिएटर्स में. बहुत बहुत प्यार से बनाई गई है. इवन तो बहुत एक्शन है, इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म जिसे कहा गया है, पर काफ़ी एंटरटेनिंग है. आप एक सेकंड को भी बोर नहीं होंगे. प्लीज़ जाके देखिएगा. थैंक यू.